हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णाज किचन। मैं अपर्णा, आज बनाऊंगी मैं कढ़ाई पनीर। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई पनीर का मसाला बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने ये धनिया ली हुई है और 3 मैंने मिर्ची ली है सूखी। तो इन्हें रोस्ट करेंगे। धनिया 3 चम्मच है तो इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। तो खुशबू आने तक करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। अब देखिए मसाला रेडी हो गया है। अब इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर इसका पाउडर बनाएंगे। और सेम पैन मैंने चढ़ा दिया है तो उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड किया है और 2 प्याज को मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है और ये 1 शिमला मिर्च है इसको भी स्क्वायर शेप में काटा है मैंने। तो इसको 1 मिनट के करीब फ्राई करेंगे। इसकी क्रंचीनेस नहीं जानी चाहिए, कलर भी नहीं चेंज होना चाहिए इसका। तो बस ये हो गया है, अब मैं इसको उतार लेती हूँ। अब मैंने वापस से वही पैन चढ़ा दिया है और 2 चम्मच मैंने तेल ऐड किया है उसमें। तो अब मैं इसमें पनीर के क्यूब्स हैं जो मैंने ये कट किए हैं, ये बड़े बड़े से मैंने कट किए हैं, तो ये मैं फ्राई करूँगी। तो 1 के क्यूब्स इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको फ्राई कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने सारे ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इन्हें थोड़ी देर इसी में पड़ा रहने देती हूँ। तो इन्हें 2-3 मिनट बाद मैं पलट दूँगी। तो ये मैंने पलट दिए हैं, देखिए। तो ये दोनों साइड हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं अच्छे से। तो अब मैं इन्हें हटा लेती हूँ और वापस से मैंने वही पैन चढ़ा दिया है फिर से। तो अब मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब ऑयल ऐड किया है और ये मैंने 2 ओनियन कट किए हैं बड़े बड़े से और ये है गार्लिक 6 से 7 और 2 हैं ये हरी मिर्च, तो इसे मैंने ऐड कर दिया इसमें। और ये 10 से 12 काजू हैं तो इन्हें सबको एक साथ फ्राई कर लूँगी 2 से 1.5 मिनट फ्राई करूंगी। अब ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 मैंने टमाटर लिए हैं, उन्होंने मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है तो ये भी इसी में ऐड कर दिए मैंने। तो इन सबको एक साथ फ्राई कर लूंगी और टमाटर को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे 1 से 1.5 मिनट और चलाएंगे तो तब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। अब देखिए सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर और ये रेडी हो गया बिल्कुल मसाला। तो इसको हटा लेते हैं, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक ये हमारा धनिया और मिर्ची वाला मसाला ये ठंडा हो गया है, इसको पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए इसका मैंने पाउडर बना लिया है, थोड़ा सा दरदरा ही है। तो अब ये भी ठंडा हो गया है तो इसको भी इसी जार में ऐड कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। और पानी किसी में भी नहीं ऐड करना है, ना ही उसमें, उसको भी ड्राई ही पीसना है, ग्राइंड करना है और इसको भी ऐसे ही इसका पेस्ट बनाना है। तो देखिए बन गया पेस्ट। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी गैस पर क्योंकि कढ़ाई पनीर को कढ़ाई में ही बनाएंगे। और इसमें मैंने 4 चम्मच तेल ऐड किया है। अब इसको गर्म होने देते हैं। अब मैंने 1 चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर दी है, हल्दी पाउडर, और साथ ही मैंने इसमें 1.25 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे।
और साथ ही जो पेस्ट बनाया था उसको भी ऐड कर देते हैं इसी में। अब इसको मिक्स कर देंगे, पानी नहीं ऐड करना है अभी, थोड़ा सा भी पानी नहीं ऐड करना है। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे, तो देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो इसको थोड़ा सा चलाएंगे मसाले को। फिर इसमें मैं जो मैंने कैप्सिकम और ओनियन फ्राई करके रखा था उसको ऐड कर देंगे, और साथ ही पनीर भी ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब आपको जैसी ग्रेवी चाहिए वैसा ही इसमें पानी ऐड करिए। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रखिए, कम या ज़्यादा। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, जार में मसाला लगा हुआ था तो उसी से मैंने पानी ऐड किया है, थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1 कप पानी ऐड किया है, 1 से 1.5 कप ऐड किया है इसमें। ये कढ़ाई मसाला जो हम लोगों ने बनाया था उसको ऐड करेंगे 1.5 चम्मच, और बचा हुआ रखते हैं तो दूसरी बार भी काम आ सकता है। और ये मैंने 1/4 चम्मच ये मैंने गरम मसाला ऐड किया है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, अब इसको ढक के इसको कुक होने देंगे 5 से 7 मिनट तक। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो अभी देखते हैं खोल के। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कढ़ाई पनीर है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें कसूरी मेथी क्रश करके ऊपर से ऐड करूँगी, और ये मैंने धनिया ऐड कर दी है, तो इसको चला देंगे अब। और अगर आपको कढ़ाई पनीर थोड़ा सा थिक रखना है तो उसमें पानी थोड़ा सा कम ऐड करें। अब मैं इसे ढक दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, सिमर होने के लिए छोड़ दूंगी, गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब देखिए 4 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं देखती हूँ तो जो ये ग्रेवी है और थिक हो गई है। कोई भी करी हो ठंडी होने के बाद बहुत ही थिक हो जाती है और अच्छी लगती है दिखने में। तो देखिए अब मैंने इस पे धनिया स्प्रिंकल कर दिया है, और इसकी गार्निश करूँगी बटर के साथ। तो थोड़ा सा बटर मैं इसमें डालूँगी, और आप चाहें तो यहाँ क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मैंने तो बटर ऐड किया है। और ये कढ़ाई पनीर है इसलिए मैं इसे कढ़ाई में ही रहने दूँगी, दिखने में अच्छा लगेगा। और आप इसको किसी के साथ भी खाइए, पूरी के साथ, राइस के साथ, नान के साथ, या रोटी के साथ, ये बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही यमी है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।